हेलो एवरीवन, इन इन प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने क्या क्या ऑब्जर्व करा था कि हम क्लास ऑब्जेक्ट ओके कैसे बनाते हैं, क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे. ओके एक बार आपको बता देता हूँ, लाइक ऑब्जेक्ट क्या होता है. ऑब्जेक्ट जो की आपकी रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, जिसका एग्जिस्टेंस होता है, जो मेमोरी या स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. क्लास सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है. ऑब्जेक्ट किसकी हेल्प से बनता है? क्लास की हेल्प से. जो भी चीज ऑब्जेक्ट में जाएगी वो पूरा का पूरा क्लास से होकर जाएगी. मतलब जो स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट का वो कौन डिफाइन करेगी? क्लास डिफाइन करेगी. ओके गॉट इट. ऑब्जेक्ट का क्या होता है? मेरे पास सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है कि हाँ मेरे पास एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, इसे ऑब्जेक्ट बोला गया है. एक क्लास से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो और सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से डिफरेंट होंगे. गॉट इट. कोई कनेक्शन नहीं होगा. तो आज हम ये देखेंगे कि जो क्लास से लेके ऑब्जेक्ट तक की जर्नी है वो कैसे होती है. एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास से जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं. ओके सो गाइस, क्या होता है बेसिकली. ओके लाइक वी हैव अ क्लास. ओके मैंने एक क्लास बनाया यहाँ पर. आप देखो क्लास का नाम मैं रख देता हूँ माई क्लास. ओके दिस इज माई क्लास. ओके अब इस माई क्लास में क्या होता है, मैंने सिंपल से एक मेथड बनाया. मैंने बोला डेफ हेलो इज माई मैथड. ओके और ये क्या आपका कंस्ट्रक्टर वेरिएबल है. ये क्या इसमें कंस्ट्रक्टर वेरिएबल. अभी के लिए मैं नाम दे रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं. बट अभी बस आपको जानने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए मैंने एक नाम दे दिया कि जो ये सेल्फ है ये कंस्ट्रक्टर वेरिएबल है. मतलब कि अब ये जो हेलो फंक्शन है क्लास से कनेक्ट हो चुका है. ये कोई पैरामीटर नहीं है, पैरामीटर है बट कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर है. ओके और ये बोल रहा है प्रिंट. ओके और कुछ भी ले लो यहाँ पे. लाइक मैं यहाँ पर एक पैरामीटर पास कर देता हूँ. ये एक पैरामीटर सेल्फ तो हो गया कंस्ट्रक्टर के लिए और यहाँ पर एक पैरामीटर हो गया. ओके वो पैरामीटर क्या है? नेम. तो यहाँ पर आपका सिंपल क्या चलेगा? गुड मॉर्निंग नेम. ओके तो इस तरीके से मैंने इस क्लास को बना लिया. अब मैं क्या करता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ. ये तो थी क्लास मेरी विच इज माई क्लास. माई क्लास में एक मेथड है जिसका नाम क्या है? हेलो है. ओके अब मैं क्या करता हूँ, इसे कॉल कराता हूँ. तो लाइक मैंने लिखा माई डॉट हेलो. ओके देखो तो अब क्या होगा, जैसे मैं इसे ऑपरेट करूंगा. ओके क्या बोल रहा? हेलो मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नेम. सही बात है, हेलो में एक रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट चाहिए नेम. तो मैंने इसमें क्या पास कर दिया? निशांत. ओके तो देखो क्या बोल रहा, गुड मॉर्निंग निशांत. ओके ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट. ठीक है एक और बनाते हैं. मैंने बोला माय डॉट हेलो राहुल. ये उसका सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया. तो देखो राहुल को भी, तो इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट में कोई भी सिमिलैरिटी, मतलब ये इससे इंटेलेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब कि ना इसे ओवरलोड करेगा, ना ओवरराइड करेगा, कुछ नहीं करेगा. मतलब ये वो, ये अलग है स्पेसिफिक एरिया है और ये अलग स्पेसिफिक एरिया है. इसमें निशांत का डेटा है और इसमें राहुल का डेटा है. गॉट इट. अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे चेक कर ले. ओके तो यहाँ पे मैंने लिखा आईडी ऑफ दिस और यहाँ पर भी सेम सिनेरियो में मैं लिख देता हूँ आईडी ऑफ दिस. ओके तो अब मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ. एक सेकेंड गाइस, प्रिंट कराना पड़ेगा मुझे इसे. ओके एड्रेस के स्पेस की बात कर रहा हूँ. ठीक है तो क्या, किस चीज का एड्रेस प्रोवाइड कराया गया है मुझे यहाँ पर? तो ये चीज ऑब्जर्व करके देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है. तो देखो गाइस यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ओके तो यहाँ पर आपका एड्रेस सेम है. ओके एड्रेस क्या है? सेम है, बिल्कुल सेम है. बट ऑब्जेक्ट मैं बोल रहा हूँ कि एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनेंगे और उन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में आप क्या कर सकते हो, उनका अलग अलग एग्जिस्टेंस होगा. तो जो ये मुझे एड्रेस दे रहा है ना, ये किस चीज का एड्रेस दे रहा है? मुझे माय का एड्रेस दे रहा है. लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये तो एक ऑब्जेक्ट है. यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंपल, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कर लेते हैं. लाइक सिंपली मैं लिखता हूँ आईडी ऑफ माय. तो देखते हैं माय का, ये सिंपल एक क्या है, सिंपल एक देखो क्लास है. सिंपल क्या है? क्लास है. तो देखो माय का क्या है, माय का एड्रेस आपको मिल रहा है. ओके जो भी वो क्लास होगी, तो क्लास का एग्जिस्टेंस अलग बना है, ब्लूप्रिंट अलग बना है. बट जो ब्लूप्रिंट के ऑब्जेक्ट बनने स्टार्ट हुए, तो देखो क्या है, हेलो एक ऑब्जेक्ट बना, यहाँ पे एक और हेलो का ऑब्जेक्ट बना. तो उन दोनों का एड्रेस कॉमन है, क्योंकि वो सेम क्लास को बिलोंग कर रहे हैं. ओके तो इससे हमारा क्या हो रहा है, मेमोरी भी सेव हो रहा है. इससे हमारा मेमोरी भी सेव हो रहा है.
तो गाइस इस तरीके से मैंने क्या करा, एक क्लास के दो ऑब्जेक्ट कॉल करा है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें निशान पास हो रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसमें राहुल पास हो रहा है। मतलब ऐसा समझ सकते हो कि पहले मैंने निशांत के लिए वो जगह ऑक्यूपाई करी, फिर मैंने राहुल के लिए ऑक्यूपाई करी, कुछ इस सिनेरियो से आप इसे समझ सकते हो। तो ये क्या था कि क्लास से ऑब्जेक्ट बना है, बट ये बना कैसे है, क्या बैकग्राउंड की वर्किंग रही होगी। ओके तो इससे जानने के लिए अभी आप एड्रेस वेड्रेस सब छोड़ो, अभी बस आप ये देखो कि क्लास से ऑब्जेक्ट बनने की जर्नी क्या होती है, कौन हेल्प करता है। तो इफ वी वॉन्ट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लास देन कंस्ट्रक्टर तो कौन हेल्प करता है, कंस्ट्रक्टर। अब क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता क्या है बेसिकली, ओके ये जान लेते हैं। ओके कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है, ऑब्जर्व करो। सो कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ पॉइंट्स है गाइस, ऑब्जर्व करते हैं। अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड, वैसे एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है। ओके विच इज यूज ओके द इंस्टेंस मेंबर ऑफ द क्लास। ओके इंस्टेंस मेंबर ऑफ द क्लास, लाइक अगर आपके पास एक क्लास है, एक सेकंड गाइस। ओके सो देखो यार, अगर ये क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्टर इज स्पेशल टाइप ऑफ मेथड व्हिच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस मेंबर ऑफ द क्लास। तो इंस्टेंस मेंबर का मतलब क्या बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ जो कि आप लोग अच्छे से जानो। ओके क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर क्या करता है बेसिकली, कंस्ट्रक्टर सिंपल भाषा में बोल दूं, कंस्ट्रक्टर यूज टू इनिशियलाइज the value, okay, to the data member and member function. क्या बोलना चाहता है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो आपकी जो भी डेटा है क्लास में जो आप यूज करने वाले हैं, जो फंक्शन उन्हें मेमोरी प्रोवाइड कराता है। लाइक अगर आप कोई भी डेटा डाल रहे हो, मैंने यहाँ पर प्रोग्राम बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर नेम क्या है, नेम सिर्फ एक वेरिएबल है आपके लिए, एक स्ट्रक्चर मैंने बोला भाई इस नाम की बिल्डिंग बनेगी इस अपार्टमेंट में। ओके अब क्या हो रहा है, इस नाम की बिल्डिंग इस अपार्टमेंट में बनेगी, बट उससे जगह तो चाहिए, तो इससे जगह देने वाला कौन होगा, कंस्ट्रक्टर होगा। जो ये नीचे से वैल्यू आ रही है सबसे पहले कंस्ट्रक्टर के पास, भाई इसे तो इसे, ये क्या एक वैल्यू है, डेटा है, इसे तो मेमोरी में जाना है, इसे जगह चाहिए अपने आप को होल्ड करने के लिए। तो जगह कौन प्रोवाइड कराएगा, आपका नेम वेरिएबल, कौन, नेम वेरिएबल, और नेम वेरिएबल को स्पेस कौन देगा, आपका कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली अगर सिंपल भाषा में बोले तो कंस्ट्रक्टर इसलिए यूज होता है कि आपके जो भी डेटा है उसको मेमोरी प्रोवाइड कराने के लिए। ओके सबसे पहला काम। ओके दूसरा पॉइंट क्या है कि जो कंस्ट्रक्टर होता है, ओके इज दैट हूज नेम सेम एज क्लास नेम। ओके गाइस अगर क्या होता है, जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वैसे तो इनिट होता है, ठीक है, बट जो इसका इंटरनली वर्क चलता है पाइथन में, तो कंस्ट्रक्टर का नाम और जो क्लास का नाम है वो सेम होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, ठीक है। उसके बाद कर रहा है, इट ऑटोमेटिकली कॉल्ड, ओके व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास इज क्रिएटेड। सो गाइस क्या होता है, सबसे पहले कौन कॉल होता है, जैसे आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सबसे पहले कौन कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है।
अपने आप ही कॉल हो जाता है, आपको इसे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है कंस्ट्रक्टर को, ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। और अगर आप कंस्ट्रक्टर को बना नहीं रहे हो तो हर क्लास के बाद बाय डिफॉल्ट उसका एक कंस्ट्रक्टर होता है, ओके, कंस्ट्रक्टर इज ऑप्शनल, ओके, एंड इफ वी नॉट क्रिएट इट देन इट इज देन PVM जो आपकी पाइथन वर्चुअल मशीन है ऑटोमेटिक से बाय डिफॉल्ट ये पॉइंट याद रखना कि जो कंस्ट्रक्टर होता है कि अगर आप उसे नहीं बना रहे हो तो आपका जो PVM है पाइथन वर्चुअल मशीन है बाय डिफॉल्ट इसे कॉल कर देती है। तो क्या होता है, सबसे पहले आपने कंस्ट्रक्टर सपोज करो एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, उसमें क्लास है और क्लास दो नंबर्स का सम करा रही है, तो दो नंबर्स का सम कराने के लिए उसे दो नंबर को पहले मेमोरी में सेव करना पड़ेगा, फिर उसे ऑपरेट करना पड़ेगा। तो देखो क्या, जैसे आप उस क्लास को क्या करते हो, ऑपरेट कराते हो, क्या बोलो, उस क्लास को ऑपरेट कराते हो, लाइक दिस एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को, ये रही आपकी क्लास, ठीक है, आपने क्या करा, क्लास का नाम दे दिया एड, गॉट इट। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपने एक प्रोग्राम बनाया डेफ सम, सम क्या कर रहा है, ठीक है, डेफ सेल्फ आपका क्या है, वो पैरामीटर है जो कंस्ट्रक्टर के साथ एड इसे वो करता है, ज्वाइन करता है। तो मैंने कंस्ट्रक्टर वेरिएबल दिया, फिर बोला ए कॉमा बी, ये ए कॉमा बी क्या आपकी मेमोरी है, ओके, ये वो वेरिएबल है जो कि जिसमें आपका डेटा सेव होगा। उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट सम ए प्लस बी, सिंपल, ओके, ये लिख दिया मैंने सम ए प्लस बी, गॉट इट गाइस। ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करो, आगे चल के चीजें बहुत चेंज होगी इसमें, तो अभी के लिए बस पहले थ्योरी समझो कि थ्योरी होती क्या है, थ्योरी क्लियर होगी तो हर कुछ क्लियर होगा, ओके। तो देखो क्या होगा, डेफ सम हो गया, सेल्फ हो गया, ए बी हो गया, तो ये बन गई सिंपल से एक सम की क्लास, एड की क्लास, ओके। तो मैंने यहाँ करा एड डॉट सम, ठीक है, एड में से एड का सबसे पहले देखो, एड का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें से मैंने सम को कॉल कराया, किसे कॉल कराया, सम को। अब सम में जब जैसे मैंने दो वैल्यू पास करी तो कहाँ जाएगी ये दो वैल्यू, ये सबसे पहले जाएगी इसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास, ठीक है, डिफॉल्ट, और वो कंस्ट्रक्टर ए और बी को वैल्यू असाइन कराएगा, ओके। तो देखो यहाँ पर आपके सम की वैल्यू आ चुकी है, ओके, अगर आप ऐसे करते हो इसे, ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, सम मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बी, तो मतलब अब क्या हुआ कि आपका जो ये है आपका डायरेक्टली मेथड एक्सेस हुआ, कंस्ट्रक्टर अभी भी चला है, ठीक है, सब कुछ चला है, बट अब क्या ये तीन पैरामीटर लेगा, क्या लेगा, तीन पैरामीटर लेगा, ओके, क्यों, क्योंकि अब आप उसे कंस्ट्रक्टर से बाइंड नहीं कर रहे हो, क्या उसे कंस्ट्रक्टर से बाइंड नहीं कर रहे हो, सेल्फ होता है बाइंड करने के लिए। तो जैसे आप इसे आप डायरेक्टली क्लास से एक्सेस करा रहे हो, प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, देख सकते हो आप, इसे आप क्या करो, डायरेक्टली क्लास से कॉल करा रहे हो विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कब बनता है, जब आपकी क्लास कॉल होती है, तो ये हो रही है आपकी क्लास कॉल, ओके। अब एक ऑब्जेक्ट बना और उस ऑब्जेक्ट का एक मैंने छोटा सा मेंबर यूज करा है जिसका नाम है सम, ओके, आगे देखते हैं, ओके। तो अगर आप इसी चीज को आप कैसे और कर सकते हो वो देखो, तो देखो सेकंड वे क्या है, अब मैं इसे कंस्ट्रक्टर के हाथ में दे देता हूँ, मैंने बोला डेफ एड वन, ओके, और एड वन में मैंने बोला कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ सेल डेफ अंडरस्कोर, मतलब कि जो बैकग्राउंड में भी कॉल हो रहा है वो यही है आपके स्पेशल मेथड, ये इसका जो बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर होता है वो होता है सेल्फ, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना गाइस, सेल्फ की जगह आप कुछ भी एबीसी एक्सवाइजेड अपना नाम कुछ भी दे सकते हो, बट सेल्फ हम इसलिए देते हैं कि जैसे कि जावा पढ़ी होगी वहां पे दिस कीवर्ड होता है, जो दिस का मतलब होता है ये है कि इस जगह की बात होती है, तो यहाँ पर भी सेल्फ का मतलब भी वही चीज होगी कि अपनी बात कर रहा है कि हाँ ठीक है कि मैं जो मतलब कि ये मेरा वेरिएबल है, आप जहां जहां मैं सेल्फ यूज करूंगा वो कंस्ट्रक्टर पे बाइंड होता चला जाएगा। और यहाँ पर भी देखो मैंने सेल्फ यूज करा था, अगर मैं यहाँ पर एबीसी भी यूज करता तो वो इस ये जो होता है इंटरनली चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पर तो मैंने इसे मैनुअली बनाया बट यहाँ पर यही चीज इंटरनली चल रही है, तो वो सेल्फ की जगह वो चीज पास हो जाती है यहाँ पर, तो वहाँ पे ओके, लाइक सेल्फ की जगह आप कुछ भी यूज करोगे, यूजर डिफाइंड पार्ट है। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि दो वेरिएबल का सम कराना है मुझे, तो यहाँ पर तो इनिट मेरा कंस्ट्रक्टर है तो जो भी काम करेगा कंस्ट्रक्टर करेगा, तो मैंने बोला भाई यहाँ पर दो वेरिएबल ले लो इसमें ए कॉमा बी, ओके, अब मैं यहाँ पर सिंपल लिख रहा हूँ क्या सम कराना है मुझे, तो प्रिंट कंस्ट्रक्टर नहीं, ओके। अब ये कैसे किस लेवल के वेरिएबल है, ये जो भी वेरिएबल है आपके पास, ओके, देखो मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा ए प्लस बी,
ऑब्जर्व करना ए प्लस बी क्या होगा। अभी के लिए तो कुछ नहीं होगा, बट जब मैं क्लास को कॉल कराऊंगा, किसे, ऐड क्लास को, इसमें कोई मेंबर नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर है, मैंने बोला ऐड क्लास को कॉल कराते हैं। तो देखो ऑब्जर्व करके देखो, ये जो सम आ रहा है ये किसका आ रहा है, इसका आ रहा है, मैंने कंस्ट्रक्टर चलाया है, ठीक है, ऐड, सॉरी ऐड को कॉल कराया, मैंने ऐड को कॉल कराया, सॉरी गाइस। तो देखो क्या बोल रहा है, init missing two positional argument a and b, तो मैं यहाँ पर a और b की वैल्यू दे देता हूँ, कंस्ट्रक्टर में मैंने डेटा पास करा, ओके। तो देखो यहाँ पे मेरा सम आ चुका है, ठीक है। तो देखो ये और ये दोनों सेम तरीके से एक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट ये क्या है आपका, ये दो वेरिएबल है जो आपके कंस्ट्रक्टर में यूज हो रहे हैं, किसमें यूज हो रहे, कंस्ट्रक्टर में यूज हो रहे हैं। यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि मैंने सम में तीन तीन आर्गुमेंट क्यों पास करे, तो ये तीन आर्गुमेंट नहीं है, सम फंक्शन में सिर्फ दो आर्गुमेंट है, ये जो एक है ये इस कंस्ट्रक्टर को हैंडल कर रहा है जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अवेलेबल है, ओके, इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर रहा है। तो इसका क्या, अगर मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से, देखो सिर्फ इसे हटाया मैंने, अब ये क्या है, प्रोग्राम का पार्ट है, बट एरर क्या बोल रहा है कि सम टेक टू पोजिशनल आर्गुमेंट बट थ्री वर गिवन, मतलब कि अब उसे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सॉरी यहाँ पर तो ये क्या बोल रहा कि अभी आप मैंने क्या दिया 12.2.3, तो ये क्या बोल रहा कि एड में से जो आपने सम को कॉल कराया है ना, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें इसे आपने दो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट चाहिए, बट इसे क्या चाहिए, तीन, ओके। लाइक यहाँ पर देखो 12.2.3 आपने यहाँ पास करा है एड में, ओके, यहाँ पर भी आप दो हैंडल कर रहे हो, बट ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर थ्री वर गिवन, आप एक और ज्यादा दे रहे हो, मैं तो दो ही दे रहा हूँ, मैं तो ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, तो वो जो एक जो एक्स्ट्रा जा रहा है उसे हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया था, सेल्फ लगाया था, ओके। तो अब देखो ये हैंडल हो गया है, ओके, वो जो एक आर्ग्यूमेंट था वो कंस्ट्रक्टर का आर्ग्यूमेंट था गाइस, ओके। तो ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर क्या है, ये सेल्फ हमेशा आपका चलेगा, ओके, हमेशा चलेगा, लाइक आप कोई भी कंस्ट्रक्टर के साथ वर्किंग करते हो तो सेल्फ इज योर बेसिकली कॉमन कंस्ट्रक्टर लेवल वेरिएबल या इंस्टेंस लेवल वेरिएबल, कुछ भी बोल सकते हो आप, ओके। जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो सबसे पहले क्या रन होता है, कंस्ट्रक्टर रन होता है। तो ये देखो दोनों कोड मैंने आपको करके दिखाए, आई होप अब आप लोगों को समझ में आएगा कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है। आप लोगों को जो पॉइंट याद रखने वो यही याद रखने कि क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है, ऑब्जेक्ट बनने से पहले कंस्ट्रक्टर चलता है, जैसे ही आप एक क्लास को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर रन होता है। कंस्ट्रक्टर का काम होता है क्या, ऑब्जर्व करो यहाँ पर जो मैंने लिखा है, कंस्ट्रक्टर का काम होता है क्या कि क्लास से ऑब्जेक्ट बनाना, मतलब, और जो क्लास से ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस में आता है, तो फिजिकल एग्जिस्टेंस में आने का मतलब वो मेमोरी में आता है। तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या हो गया कि आप लोग जब किसी भी वेरिएबल को या किसी भी फंक्शन को या किसी भी डेटा मेंबर को मेमोरी प्रोवाइड कराते हो, देन वो जो मेमोरी प्रोवाइड कराई जा रही है वो कौन करा रहा है, कंस्ट्रक्टर करा रहा है, कौन करा रहा है, कंस्ट्रक्टर करा रहा है। प्लस सेकेंड चीज, जितनी बार भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, क्या बोल रहा हूँ, जितनी बार भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, ओके, उतनी बार आपका कंस्ट्रक्टर चलेगा, और एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही बार चलेगा, ओके, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड वंस पर ऑब्जेक्ट एंड एवरी टाइम फॉर ईच डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ओके, हर ऑब्जेक्ट्स के लिए चलेगा और एक ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ही बार चलेगा, ओके गाइस। अब ये भी मत सोचो कि आप लोग लाइक अपने हिसाब से लॉजिक ये मत बनाओ कि जितने आर्गुमेंट चाहिए उससे हर बार एक ज्यादा देना पड़ेगा, नहीं गाइस, गलत मिसअंडरस्टैंडिंग लेके आगे बढ़ना गलत होगा। आपको ये जानना है जो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है कि भाई ये आपका कंस्ट्रक्टर लेवल वेरिएबल है जो पहले पैरामीटर पे पास होगा, ओके, दैट्स इट। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप जितने, अगर आपको दो पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है तो आप एक ज्यादा लेके चलो, नहीं, कभी नहीं, ठीक है। आपको इसे इस तरीके से याद रखना है कि भाई जो भी आपका पहला पैरामीटर में पास हो रहा है ये क्या है, आपका एक कंस्ट्रक्टर लेवल वेरिएबल है, इंस्टेंस लेवल वेरिएबल भी बोलते हैं इसे, ठीक है, पैरामीटर है, ये आपके कंस्ट्रक्टर को हैंडल कर रहा है, मतलब कि आपकी इस प्रोग्राम, आपके इस मेंबर को आपकी क्लास कंस्ट्रक्टर से ज्वाइन कर रहा है, ओके, आप इस तरीके से इसे बोलोगे। गॉट इट गाइस, क्लियर है? ये नहीं बोलोगे कि आपको दो पैरामीटर, अगर आपको तो इसे ज्वाइन करना है कंस्ट्रक्टर से, ऑब्जेक्ट से एग्जीक्यूट कराना है, तो आप क्या एक वेरिएबल ज्यादा लेके चलोगे, नहीं गाइस, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर लेवल वेरिएबल है, और ये क्लास को आपके प्रोग्राम, ये पूरी की पूरी एक क्लास है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक ही फंक्शन है, बट यहाँ पे 100 फंक्शन होते तो क्या करता, इस सम फंक्शन को एड क्लास से कनेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ओके, गॉट इट।
आगे देखते हैं। तो जो मेन पर्पस है कंस्ट्रक्टर का, बेसिकली वो क्या है कि ऑब्जेक्ट को फिजिकल एग्जिस्टेंस में लाना, इंस्टेंस लेवल को मेमोरीज प्रोवाइड कराना आपके वेरिएबल को, यही सारा का सारा काम है। और कंस्ट्रक्टर, ये पॉइंट याद रख सकते हो, कंस्ट्रक्टर होल्ड वन पैरामीटर विच इज सेल्फ। ओके, ये आप याद रखो, ठीक है, मैंडेटरी है। ओके, कि क्या आपके पास कंस्ट्रक्टर का अपना ही पैरामीटर होता है जिसका नाम क्या है, सेल्फ। ओके, क्या नाम है, सेल्फ। सेल्फ में क्या वैल्यू होगी क्या नहीं होगी ये बाद में देखेंगे, बट सेल्फ का मतलब क्या। अच्छा, मैं यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर तो आप एबीसी एक्स वाई जेड कुछ भी पास कर सकते हो। इस पोजिशन पे पास करोगे वो कंस्ट्रक्टर लेवल पे चला जाएगा, ठीक है, कुछ भी पास करोगे। बट सेल्फ ही क्यों बोल रहा हूँ मैं, यूजर डिफाइंड में तो आप कुछ भी लिख सकते हो ना। तो सेल्फ का मतलब क्या है, अपनी बात कर रहा है वो, यानी कि वो अपने आप को होल्ड कर रहा है। क्या कर रहा है, अपने आप को होल्ड कर रहा है, इसीलिए हम इसे बार बार सेल्फ सेल्फ बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, सेल्फ सेल्फ। तो अगर मैं सिंपली बोलूँ तो सेल्फ है क्या, ओके याद रखने के लिए आप ऐसा रखते हो, सेल्फ इज द डिफॉल्ट वेरिएबल। ओके, विच ऑलवेज पॉइंटिंग टू दी करंट ऑब्जेक्ट। ओके, विच इज पॉइंटिंग टू दी करंट ऑब्जेक्ट, मतलब कि वो अपनी ही क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, मतलब कि वो अपनी पूरी की पूरी क्लास के स्ट्रक्चर को। लाइक सपोज करो मैंने एक मेंटर बिठा दिया, ठीक है, लाइक ऐसे समझ लो कि एड मेरा पूरा एक सोसाइटी है। अब उस एड सोसाइटी को हैंडल करने के लिए जितने भी उसमें अपार्टमेंट्स हैं, अपार्टमेंट्स इज योर फंक्शन, तो उन अपार्टमेंट्स को हैंडल करने के लिए एक सिक्योर मैंने क्या रखा है, एक सोसाइटी हेड रखा है जिसका नाम क्या है, सेल्फ है। वो क्या करेगा, पूरी सोसाइटी को एग्जामिन करेगा, इसे पूरी सोसाइटी को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा, एग्जामिन करेगा इस तरीके से। यानी कि सेल्फ में उसी क्लास की वैल्यू होगी जिस क्लास में वो है, जिसका वो ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्लियर है, क्यों, क्योंकि देखो सेल्फ, सोच के देखो, सेल्फ क्या है, कंस्ट्रक्टर लेवल वेरिएबल है। और कंस्ट्रक्टर कब चलता है, जब क्लास से ऑब्जेक्ट बनता है, तो क्या होगा, हर ऑब्जेक्ट का अपना एक सेल्फ होगा, ठीक है, और वो सेल्फ क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट के सारे मेंबर्स को हैंडल करेगा इंस्टेंस लेवल पे। ओके, इसीलिए इसे हम इंस्टेंस लेवल वेरिएबल भी बोलते हैं या इंस्टेंस लेवल डेटा हैंडलर भी बोलते हैं। गॉट इट, क्लियर है गाइस, कोई डाउट है आप लोगों को? ओके, आई होप अब आप लोगों को क्लियर होगा कि आपका क्या होता है। बेसिकली अभी मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर होता है क्या, आगे चलोगे आपको बहुत चीजें पता चलेगी। ओके, डिफरेंस समझते हैं। ओके, नाउ वी ओके सी द डिफरेंस बिटवीन, ओके, क्या क्या आपके पास कंस्ट्रक्टर है एंड मेथड है, कंस्ट्रक्टर है और मेथड है, तो देखते हैं क्या होता है ये। ओके, सो दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, कंस्ट्रक्टर भी जो ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। तो पहले हम मेथड की बात कर लेते हैं कि मेथड क्या होता है, फिर कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे। ओके, तो मेथड आप लोगों को पता है क्या होता है, ओके, जो कि एनी फंक्शन विच इज प्रेजेंट इन द क्लास कंसिडर एज अ मेथड। ओके, हम मेथड का नाम कुछ भी रख सकते हैं। ओके, मेथड का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लाइक एबीसी एक्स वाई जेड एनीथिंग। ओके, और फिर क्या बोल रहा है, पर ऑब्जेक्ट मेथड कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम। भाई आप एक मेथड को एक ऑब्जेक्ट में कितनी भी बार कॉल करा सकते हो, जितनी बार आपको रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। और इनसाइड मेथड वी राइट रिक्वायर्ड लॉजिक। रिक्वायर्ड लॉजिक का मतलब क्या है, जो भी आप उसे कराना चाहते हो, जो भी आप उसे कराना चाहते हो, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव कंस्ट्रक्टर। ओके, तो कंस्ट्रक्टर देखते हैं क्या होता है। पहली चीज तो क्या, जैसे कि वहां लिखा था एनी फंक्शन विच इज प्रेजेंट इन द क्लास कंसिडर्ड एज मेथड, तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड।
मेथड, ओके। फिर उसका नाम क्या हो सकता है? इट इज ऑलवेज बी इन इट, क्या? इट्स नेम ऑलवेज बी इन इट, दिस कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा यही होगा, ओके। इसके बाद देखो क्या बोलो, इट कॉल्ड इटसेल्फ, कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन क्लास कन्वर्ट इनटू नॉट ऑब्जेक्ट। गाइस कन्वर्ट का मतलब यहां से वैसा कन्वर्जन नहीं है, यहां पर सिंपल मतलब क्लास से ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? क्लास से ऑब्जेक्ट बन रहा है। इसके बाद क्या है, जैसे कि आप एक मेथड को कितनी भी बार कॉल करा सकते हो, तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर होता है ऑलवेज एग्जीक्यूट वंस पर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के लिए एक बार, ओके। और जैसे कि मेथड क्या करता है, आप उसमें रिक्वायर्ड लॉजिक लिखते हो, तो यहाँ कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इनसाइड कंस्ट्रक्टर वी डिक्लेयर रिक्वायरमेंट्स, डेटा रिक्वायरमेंट। डेटा रिक्वायरमेंट का मतलब है जो भी आपको डेटा नेसेसरी है उस क्लास उस फंक्शन के लिए, आप कहां दोगे उसे? कंस्ट्रक्टर पे दोगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ही उस डेटा को मेमोरी प्रोवाइड कराएगा। गॉट इट गाइस? इनसाइड कंस्ट्रक्टर वी डिक्लेयर्ड डेटा रिक्वायरमेंट, और वी कैन से इनिशियलाइज द वेरिएबल्स, ओके। सिंपल अगर मैं आपको बताना चाहूं तो, गॉट इट गाइस? आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि ये चीज क्या क्या है, ओके, गॉट इट? तो देखो ये थी कंस्ट्रक्टर। अब मैं आपको एक और प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, आप ऑब्जर्व करना, ओके। सो वी हैव अ क्लास टेस्ट, ओके। मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम क्या है, टेस्ट क्लास है, ओके। अब इस क्लास में मैंने क्या करा, डेफ इनिट। अगर मैं कंस्ट्रक्टर ना बनाता तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप से अचीव कर लेता, ठीक है। और इसे पता है बाय डिफॉल्ट इसके पास क्या रहेगा, सेल्फ रहेगा, बाय डिफॉल्ट इसके पास सेल्फ आपको देना पड़ेगा, ओके, क्लियर है। अब क्या करना है मुझे, मैंने बोला इस क्लास के पास क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है जिसका नाम है सेल्फ, और दो वेरिएबल है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, ओके। हेयर इसे मैं क्या बोलूंगा, व्हाट इज दिस, दीज आर टेम्पररी वेरिएबल। याद रखना गाइस, जो जो नाम मैं जहां बोल रहा हूँ आप लोग उसे अच्छे से ऑब्जर्व करो, याद रखो वेरिएबल्स। टेम्पररी क्यों बोल रहा हूँ, अभी के लिए टेम्पररी है, बट When I create this self dot a equals to a, guys, यहाँ पर भी आप कुछ भी ले सकते हो, मतलब मैंने यहाँ पर ले लिया a1, चलो अभी के लिए आप ऐसे देख लो, self dot b1 equals to b. Now these are your constructor level variables. Constructor level variable. Okay, क्या है, constructor level variable बोल रहा हूँ मैं इसे, okay? तो कंस्ट्रक्टर लेवल वेरिएबल बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब आपने उसे सेल्फ के साथ, सेल्फ क्या है, कंस्ट्रक्टर लेवल वेरिएबल है, तो आपने इन दोनों को भी क्या बना दिया, कंस्ट्रक्टर लेवल वेरिएबल बना दिया। मतलब कि अब मैं क्या करूंगा, लाइक मैंने यहां से कुछ भी, लाइक सपोज करो मैंने क्लास को कॉल कराया टेस्ट, ठीक है। तो देखो अब जब मैं क्लास को कॉल कराऊंगा तो क्लास को दो आर्ग्यूमेंट चाहिए, ओके। मैंने यहाँ पर डाल दिया 12, 13, ओके। अभी 12, 13 कहाँ देंगे, 12 जाएगा ए पे और 13 जाएगा बी पे, ठीक है। ये थे टेम्पररी वेरिएबल्स। अब ये ए अपनी वैल्यू किसे पास करेगा, एक इंस्टेंस वेरिएबल को जिसका नाम है a1। अब बी अपनी वैल्यू किसे पास करेगा, इंस्टेंस लेवल वेरिएबल b1 को। तो अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा प्रिंट, ओके, तो a1 के पास क्या होगा आपका 12, ओके। a1 के पास भी 12 होगा, यहाँ पर, अच्छा चलो A1 कर लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं B1, ऐसे भी देखो, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये A1 B1 नहीं है, ये क्या है आपका, इंस्टेंस लेवल वेरिएबल। तो अब आपको इसे ऐसे यूज करना पड़ेगा, सेल डॉट A1 सेल डॉट B1। तो देखो यहाँ पर आपका डेटा आ गया है, गॉट इट गाइस? तो ये क्या था आपका, इंस्टेंस लेवल वेरिएबल्स थे आपके। क्या थे, इसे कंस्ट्रक्टर लेवल वेरिएबल या इंस्टेंस लेवल वेरिएबल बोल सकते हो, क्योंकि
सुवेद देखो यहाँ पर क्या कर रहा था टेस्ट में, तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में डेटा पास कर रहा हूँ, ये क्या कंस्ट्रक्टर के पास जा रहा है और फिर यूज हो रहा है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए क्या एक मेथड, मैंने बोला डेफ, यहाँ पर भी मैंने क्या बनाया एक मेथड जिसका नाम रखा सम, क्या रखा सम। ओके अब मैं क्या चाहता हूँ, इस सम में मैं ऊपर वाले ए बी का यूज करके सम कर दूँ, तो बस अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इसे क्या बताना है कि बस आप इसे एक्सेस कर लो, सेल्फ को एक्सेस कर लो। सेल्फ क्या था, कंस्ट्रक्टर लेवल डेटा। तो अब सेल्फ क्या करेगा, इसको इन सब से कनेक्ट कर देगा। तो याद नहीं कि अब अगर मुझे सम कराना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बस हम सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी, दैट्स इट। ओके तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टेस्ट के इंटरनल सम। ओके ये वाला सम आपका कॉल होगा। अब मैं जैसे से कॉल कराऊंगा तो देखो यहाँ पर डेटा में कंस्ट्रक्टर में पास कर रहा हूँ, यूज में उसे क्या कर रहा हूँ, मेंबर्स के इंटरनल। डेटा में कंस्ट्रक्टर में पास कर रहा हूँ, यूज क्या कर रहा हूँ, मेंबर के अंदर। तो देखो अभी तो यहाँ पर मैंने सिंपल टेस्ट को कॉल कराया है, अभी मैंने क्या करा है सिंपल टेस्ट को कॉल कराया। तो देखो यहाँ पे जैसे मैं टेस्ट को कॉल कराऊंगा, सॉरी प्रिंट में, ओके अब ठीक है, ठीक है। तो देखो अभी तो सिर्फ टेस्ट कॉल हुआ है, तो टेस्ट में मैंने क्या करा था, इसे कंस्ट्रक्टर लेवल पे प्रिंट कराया था। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जैसे बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कॉल होने के बाद उसने बोला कि इंटरनली ये चीज ऑपरेट होनी थी, तो ये ऑपरेट हो गई, बट सम नहीं कॉल हुआ। सम को कॉल करने के लिए मैंने क्या लिखा, डॉट सम। अब देखो तो क्या बोल रहा है, टेस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ए, ऑब्वियसली ये क्या था मेरा ए वन था और ये बी वन था। ओके तो अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा कि ये सम एग्जीक्यूट हुआ और डेटा कहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया इसने। कौन रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल है। ओके So guys, this is the working for self. Okay? अगर आप इसे ऐसे करोगे, इसका मैं सेकंड सिनेरियो आपको समझाता हूँ कि लाइक अगर आप सेल्फ की जगह कुछ और पास करते हो, आपने क्या करा, सेल्फ की जगह यहाँ पर पास कर दिया क्लास इज योर टेस्ट वन, ठीक है। सेल्फ की जगह मैंने पास कर दिया अपना नाम, मैंने बोला इट्स निशान, अरे इट्स निशान। ओके तो कोई कोई रिक्वायरमेंट नहीं है गाइज। अब क्या होगा, सेल्फ तो बस एक नाम था, हर जगह क्या यूज होगा, निशान, यहाँ पर भी निशान। ओके तो अब क्या बन गया, निशान इज माय कंस्ट्रक्टर लेवल वेरिएबल, मतलब कंस्ट्रक्टर में आप जो पहले पैरामीटर पे पास करोगे वो आपका क्या बन जाएगा, कंस्ट्रक्टर लेवल वेरिएबल। ओके जो अपनी ही क्लास को, अपनी ही क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, मतलब कि ये अपने क्लास के बारे में बता रहा है कि हाँ ये मेरी क्लास है और मैं ये कर सकता हूँ। तो देखो अब हर जगह मैंने निशान निशान कर दिया सेल्फ की जगह, बस यहाँ पर रह गया था। और यहाँ पर मैंने अगेन टेस्ट वन को कॉल कराया है, ओके तो देखते हैं आप ऑपरेट करके। तो देखो ये आपके टेस्ट वन का आउटपुट है और ऊपर वाला टेस्ट का आउटपुट है। तो देखो दोनों प्रोग्राम मेरे चल रहे, कोई इशू नहीं आ रहा है। ओके बस आपका जो सेल्फ है वो यूजर डिफाइंड पार्ट है, वो इसलिए यूज होता है कि वो अपनी ही क्लास को पॉइंट कर सके, बाइंड कर सके, मतलब अपनी पूरी क्लास के एग्जिस्टेंस को बना सके। इसे बोला जाता है इंस्टेंस लेवल वेरिएबल या इंस्टेंस लेवल। ओके ऑब्जेक्ट लेवल या इंस्टेंस लेवल सेम ही होता है। तो मतलब कि सेल्फ क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी डेटा पड़ा है सबको क्या करता है, स्ट्रक्चर वाइज बाइंड करते हुए चलता है। गॉट इट गाइस? ओके आई होप आप लोगों को समझ में आओगे क्लास क्या है, सेल्फ क्या है, ओके इनिट क्या है। इनिट इज योर कंस्ट्रक्टर, सेल्फ इज योर कंस्ट्रक्टर लेवल वेरिएबल। ओके सेल्फ लिखना जरूरी नहीं है, सेल्फ की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। गॉट इट? सो गाइस अब ऑब्जर्व करते हैं हम कंस्ट्रक्टर की थोड़ी सी वर्किंग। अभी तक आपने देखा ठीक है वर्किंग, इसकी समझ में। अब मैं इसको आपको रिलेट करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में क्या है क्या नहीं है कंस्ट्रक्टर। तो देखो मैंने क्या क्लास माय, ओके माय क्लास में एक कंस्ट्रक्टर, हमेशा एक ही कंस्ट्रक्टर बनेगा गाइस, ये भी मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ कि क्यों बनेगा एक, ओके आगे चल के। बट अभी के लिए ये देखो एक ही कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने सेल्फ, ठीक है हो गया। मैंने बोला प्रिंट, व्हाट इज दिस
कंस्ट्रक्टर, तो ये कब चलेगा, जैसे ही आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे ये तो रन होगा ही होगा। ओके, मतलब आप एक क्लास को जैसे ही कॉल कराओगे तो कॉल करते हुए ऑब्जेक्ट बनेगी तो क्या रन होगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर रन होगा। तो मैंने बोला इसको, उसमें एक एग्जाम्पल वो मैसेज पास कर दिया जिसको मैंने बोला कंस्ट्रक्टर वर्किंग। ओके, इसके बाद मैंने बोला डेफ, इसके पास क्या एक मेथड है, और ये भी कैसा मेथड है, इंस्टेंस लेवल मेथड बोलते हैं, जहां पर जिस भी मेथड के अंदर अगर आप सेल्फ पास कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, इंस्टेंस लेवल मेथड। ये भी हमें आगे चल के पढ़ना है गाइस। ओके, तो इसे बोल रहा हूँ हेलो आई एम मेंबर, बेसिकली ये क्या एक मेंबर है। ओके, तो इस तरीके से मैंने इसे स्पेसिफाई कर दिया मेंबर को। अगेन अब गाइस यहाँ पर देखो, अभी तक तो मैं क्या कर रहा था, मैं सिंपल एक इस तरीके से कॉल कर रहा था माय, दैट्स इट। ओके, ये हो गया। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक रिमोट बना लिया, इसे बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल गाइस। इसे क्या बोलते हैं, रेफरेंस वेरिएबल, मतलब कि अब आपका जो भी माय क्लास है उसका क्या एक ऑब्जेक्ट है टी गाइस, इसे टी हियर, टी इज ऑब्जेक्ट एज वेल एज रेफरेंस वेरिएबल हियर, टी इज ए रेफरेंस वेरिएबल। Yes, reference variable का मतलब क्या है, आपने माय को कॉल करा के टी को दे दिया, माय को कॉल करा के टी को दे दिया, मतलब कि अब टी एक रिमोट है जो कि माय ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करेगा। तो अगर ये माय ऑब्जेक्ट और टी में असाइन हो रहा है तो बेसिकली ये रिमोट हो गया, तो इसे मैं रेफरेंस वेरिएबल भी बोल सकता हूँ या फिर एक डायरेक्टली ऑब्जेक्ट भी बोल सकता हूँ। तो कंफ्यूज मत होना, रेफरेंस वेरिएबल बोलूँ चाहे ऑब्जेक्ट बोलूँ, बट मेजरली अगर कोई पूछे क्या है तो ये रेफरेंस वेरिएबल है। क्या है गाइस, रेफरेंस वेरिएबल है, टी इज माय रेफरेंस वेरिएबल जो माय ऑब्जेक्ट को हैंडल कर रहा है। फिर एक और ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम रखा मैंने T1, और एक और ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम रखा मैंने T2। ओके, तो देखो ये भी माय को कॉल करा रहा है, ये भी माय को कॉल करा रहा है, और ये भी एक सेकेंड माय को ही कॉल करा रहा है। ओके, तो ये बन गए मेरे कितने, एक ही क्लास के कितने ऑब्जेक्ट है गाइस, तीन ऑब्जेक्ट बनाए मैंने यहाँ पर। तो देखो क्या हो रहा है बेसिकली, ओके मैंने जैसे बताया था आपको कि कंस्ट्रक्टर आपका रन कर रहा है, क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर आपका एग्जीक्यूट कर रहा है। तो मैंने तीन बार इसको ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे मैं इसे ऑपरेट करूंगा तो मुझे तीन बार अपना कंस्ट्रक्टर ओके चलते हुए दिखा। ओके, तीन बार अपना कंस्ट्रक्टर चलता हुआ दिखा, तो कंस्ट्रक्टर वर्किंग, कंस्ट्रक्टर वर्किंग, कंस्ट्रक्टर एक टी के लिए, T1 के लिए और T2 के लिए। ओके, तो आगे देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, टी में से अगर किसे ओके टी में से मैं माय को कॉल कर रहा हूँ। ओके, तो देखो हेलो आई एम मेंबर, हेलो आई एम मेंबर। ओके, तो देखो इस तरीके से क्या हुआ, मैंने एक मेंबर को कॉल कराया टी में से। अब ऐसे मैं चाहूँ तो T1 से भी करा सकता हूँ और T2 से भी करा सकता हूँ, T1 और T2.my। देखो इस तरीके से जैसे मैं कॉल करूंगा तो देखो तीन 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 अलग अलग मैंने क्या करा, रेफरेंस वेरिएबल या तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट बोल सकते हो उसमें से मैंने कॉल करा लिया है। ओके, आई होप अब आप लोगों को समझ में आएगा कि बेसिकली यहाँ चल क्या रहा है। ओके, अगर मैं इन तीनों की अब आईडी चेक करता हूँ लाइक, देखो ऑब्जर्व करो, मैं तीनों की क्या करता हूँ एड्रेस चेक करता हूँ मैं तीनों का, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रिंट। ID of T, okay, then print ID of T1, ID of T1, and then print ID of T2. आईडी ऑफ T2। तो आप ऑब्जर्व करके देखो भाई, देखो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, पहले जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था तो उसी वक्त क्लास में डेटा पास, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ही क्लास के तीन ऑब्जेक्ट बने T1 और T2, और तीनों एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर है, इसका एड्रेस अलग है, इसका एड्रेस अलग है और इसका एड्रेस अलग है। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ प्रिंट आईडी ऑफ माय, आईडी ऑफ माय, तो अगर आप यहाँ पर देख लोगे आईडी ऑफ माय तो ये भी उससे डिफरेंट होगी। तो यहाँ से स्पेसिफाई होता है कि एक ही क्लास के
एक सेकंड, ये माय आपका कैपिटल था ओके। तो यहाँ से स्पेसिफाई होता है कि एक ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनते हैं क्या, एक ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनते हैं और सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, क्या होते हैं डिफरेंट। तो देखोगे तो यहाँ पर टी टी वन और टी टू सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टोटली डिफरेंट थे, क्या थे टोटली डिफरेंट थे ओके। आई होप अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशन है, कैसे यूज होगा ओके, कैसे हम इसे प्रोसेस कर सकते हैं। गॉट इट गाइस, आगे देखते हैं थोड़ा सा ओके। एक दो ऑपरेशन और परफॉर्म करा के इसके लाइक चलो देखते हैं आलो लाइक सपोज करो क्या होता है। ये तो एक नॉर्मल सी क्लास थी, अभी के लिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। आगे जो चीज समझानी है मुझे वो ये समझानी है, इसमें आपको क्या पता चला, हेयर पीसी क्लास हैज मल्टीपल यूजिंग क्लास वी क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट ओके, वी क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट लोकेशन ओके। तो यहां पर मैंने इसे ऑब्जर्व करा। अब अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां हम क्या देखेंगे, नाउ वी सी द वर्किंग ऑफ सेल्फ इन ईच ऑब्जेक्ट। सो गाइस बेसिकली क्या होगा, ऑब्जर्व करो जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्या यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई विच इज माई माई वन क्लास, एक कंस्ट्रक्टर था इनिट, उसमें था सेल्फ ओके। अब क्या हो रहा, उस सेल्फ में क्या होगा, यहाँ पर तो कंस्ट्रक्टर के लिए हो गया तो सेल्फ की भी भाई कोई आईडी होगी अपनी। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक सेल्फ की आईडी प्रिंट करा दी मैंने, मतलब प्रिंट आईडी ऑफ सेल्फ। तो जितनी बार भी मैं क्या करूंगा, आईडी ऑफ सेल्फ, सेल्फ ऑफ आईडी, एक्चुअली यहाँ पर नहीं प्रिंट होगी तो यहाँ भी जाएगी, बट इसे मैं यहाँ पर कराता हूँ क्योंकि कंस्ट्रक्टर लेवल पे कराऊंगा तो बेटर होगा। एड्रेस, तो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग कंस्ट्रक्टर चलता है, मतलब एक ही कंस्ट्रक्टर है वो हर बार चलता है, तो हर बार उसका ऑब्जेक्ट का आईडी चेंज होगा तो क्या होगा, सेल्फ का भी आईडी चेंज होगा। तो देखते हैं क्या होता है कि जो वो पॉइंट बोला गया था कि जो सेल्फ होता है वो अपने ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, यानी कि जो अपना ऑब्जेक्ट बना है अभी, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है चाहे वो टी हो, चाहे वो टी वन हो, चाहे टी टू हो, तो उस ऑब्जेक्ट की आईडी और सेल्फ की आईडी सेम होनी चाहिए, तो मेरा जो भी पॉइंट है वो एक तरह से प्रॉपर जस्टिफाइड होगा कि हाँ कि आपका जो सेल्फ है, क्या आपका जो सेल्फ है वो करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो माय 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 में नाउ मिस्टेक हो गया मेरी, क्या बोल रहा है, माय डॉट माय, माय ऑब्जेक्ट टी डॉट माय ओके। तो ये क्या था, माय नहीं था, ये माय वन था, माय वन था, माय वन था, माय वन ओके। यहाँ पर भी सेम, जैसे मैंने इसे ऑपरेट करा ठीक है, तो यहाँ पे इनको गलत लग गया क्या, माय वन यहाँ पर फिर से ऑपरेट करते हैं, स्मॉल में कहाँ लिखा है ओके ये तो माय था, इसे भी माय वन कर लो गाइस, 10 डिग्री चेंज करने से बेटर है ओके। तो ये आपका आउटपुट आया है, एक सेकंड इसे कमेंट में काफी कुछ लिखा है तो इसे भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मुझे स्पेसिफिक आउटपुट मिलेगा ठीक है। तो देखो कंस्ट्रक्टर वर्किंग के साथ साथ क्या क्या प्रिंट होगा आपके पास, आईडी ऑफ सेल्फ ठीक है। तो देखते हैं टी वन के लिए क्या होता है, टी टू के लिए होता है, टी थ्री के लिए है, जो भी है वो ओके। तो देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करो, यहाँ से स्टार्ट हुआ ओके, गुड मॉर्निंग वाला कहाँ से प्रिंट हो रहा है, ऊपर भी लिखा हुआ है वो अब ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्या हुआ, सबसे पहले ऐसे देखते हैं, यहाँ पर आया मैं
सबसे पहले क्या था मेरा, टी था. ओके, तो मैंने क्या किसे कॉल कराया सबसे पहले, टी वन डॉट माई को. सबसे पहले किसे कॉल कराया मैंने, टी वन डॉट माई को. यहाँ पर कॉल हो रहा है ये देखो, टी वन डॉट ये रहा. तो जैसे ही मेरा क्या हुआ, यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्टर वर्किंग, कंस्ट्रक्टर वर्किंग, कंस्ट्रक्टर वर्किंग. तो ये तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए आया. ये किसकी आईडी है, यहाँ देखो ये किसकी आईडी है. सबसे पहले यहाँ पर देखो आईडी ऑफ, यहाँ पर लिख लो टी. ओके, तो देखो आईडी ऑफ टी क्या आ रहा है आपका, दिस. ओके, ये आईडी है किसकी, टी की. तो यहाँ पर अगर आप आगे आओगे, यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी ये इसकी आईडी है. ओके, किसकी आईडी है, टी की. तो देखो इसकी आईडी हो गई और सेल्फ की आईडी दोनों सेम आ रही है. तो यानी कि इस ऑब्जेक्ट के लिए ये क्रिएट हो रहा है. बस थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है, तो मैं काम करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए. जो चीज रिक्वायर्ड नहीं है उसे मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, बाद में ऑब्जर्व करा लेंगे. लाइक ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये रिक्वायर्ड नहीं है अभी के लिए. ओके, अभी के लिए इतना रिक्वायर्ड है तो इतना चलाते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पर देखो तीन ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, तीन ऑब्जेक्ट बनेंगे, उनकी तीन अलग अलग आईडीज प्रिंट होगी. तीन ऑब्जेक्ट और तीन आईडीज, टी की आईडी, टी वन की ये, और टी टू की. तो अब देखो यहाँ पर अब आपको प्रॉपर मिलेगा. तो देखो सबसे पहले क्या चला, टी की आईडी क्या है, देखो 36 समथिंग है. ओके, लास्ट में क्या रहा है, 36 आ रहा है. टी वन की क्या है, ये दोनों सेम आ रही है, और टी टू की डिफरेंट आ रही है. तो देखो गाइस सबसे पहले ये चला होगा किसके लिए, यहाँ से आप देखो टी वन सबसे पहले टी के लिए चला है, ये वाला जो एग्जीक्यूशन है वो टी के लिए है, ठीक है. तो देखो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर वर्किंग लिखा हुआ है, मतलब टी के लिए कंस्ट्रक्टर चला, फिर उसकी आईडी सेल्फ की प्रिंट कराई जो भी बनी होगी. तो क्या आ रही, ये आ रही. और जब मैंने ओके, तो ये तो कंस्ट्रक्टर के अंदर सेल्फ की आईडी है, बट जब मैंने टी की आईडी चेक करी तो देखो वो और ये दोनों सेम थी. ओके, तो मुझे पता चल गया कि जो करंट ऑब्जेक्ट बना है, टी जो ऑब्जेक्ट है उसके इंटरनल जो सेल्फ है वो अपने आप को पॉइंट करा रहा है. तो वो कहां से पता चला मुझे, ओके यहां से पता चला, आईडी ऑफ टी इज इक्वल टू आईडी ऑफ सेल्फ विच इज प्रेजेंट इन दैट ऑब्जेक्ट. ओके, विच इज प्रेजेंट इन दैट ऑब्जेक्ट. गॉट इट गाइस, इस तरीके से समझो उसे. ओके, फिर उसके बाद क्या था, मेरे पास टी वन था, तो टी वन चला, तो उसके लिए उसके टी वन का जो आउटपुट आया वो क्या आया आपका, ये आया, ठीक है. तो अब इसकी आईडी में किससे चेक करूंगा, इस वाले आईडी ऑफ टी वन से. तो देखो आईडी ऑफ रेफरेंस वेरिएबल टी वन विच इज इक्वल टू आईडी ऑफ सेल्फ विच इज प्रेजेंट इन दिस ऑब्जेक्ट. ओके, तो यहां से पता चली. और सेम फॉर टी टू, तो टी टू के लिए भी अगर आप आईडी ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर जो सेल्फ आ रहा है टी टू का, ठीक है, ये एग्जीक्यूट हुआ तीसरे पार्ट में, ठीक है, और उसका जो आईडी है. तो यहाँ से पता चला जो सेल्फ होता है वो अपने ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, अपने ही ऑब्जेक्ट को हैंडल करके चलता है. सो गाइस जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले थे मैं सबको जस्टिफाई कर चुका हूँ कि जो सेल्फ होता है करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है अपने आप को. तो वो भी यहाँ पर दिखा रहा, तीन ऑब्जेक्ट बनाए, तीनों के सेल्फ की आईडी और उसके ऑब्जेक्ट या रेफरेंस वेरिएबल की आईडी चेक करी तो दोनों सारी सेम आ रही है. तो यहाँ से मुझे पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टर का जस्टिफिकेशन पता चल गया कि सेल्फ क्या है. ओके, कैसे वर्क कर रहा है, क्या यूज है सेल्फ का. ओके, तो अभी के लिए बस आप लोगों को ये बताना था कि सेल्फ की वर्किंग क्या है और सेल्फ वर्क कैसे करता है. गॉट इट गाइस, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. ओके, अब देखो गाइस आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि हाँ रेफरेंस वेरिएबल क्या है या फिर जो भी है आपका. ओके, टी इज माय रेफरेंस वेरिएबल, टी वन इज माय रेफरेंस वेरिएबल, टी टू इज माय रेफरेंस वेरिएबल. बट मैं उसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये इसे हैंडल कर रहा है, ठीक है, बट ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं असाइन ही तो करा रहा हूँ. तो इसका मतलब मैं टी को भी ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ, रेफरेंस वेरिएबल भी बोल सकता हूँ. ओके, तो अब मैंने क्या करा, उसके इंटरनली मेथड्स कॉल करा लिए. क्या कॉल करा लिए, मेथड्स. मैंने बोला टी वन में से माई वन को कॉल कर दो, टी में से भी, ओके, और टी टू में से भी. टी में से माई वन को कॉल, टी वन में से भी माई वन को कॉल, और टी टू में से भी माई वन को कॉल कर दो. ओके, तो देखो अब यहाँ पे मैंने माई वन को कॉल कराया है. ओके, तो सिंपल अब वही आएगा. ओके, हेलो आई एम मेंबर, हेलो आई एम मेंबर, हेलो आई एम मेंबर. ओके, तो देखो बेसिकली क्या है, ये तो आपका किसमें प्रेजेंट था, बट ये वाला जो आ रहा है ये टी से आ रहा है, ये टी वन से आ रहा है, ये टी टू से आ रहा है. ओके गाइस, इससे आ रहा है टी टू से, मतलब अगर मैं चाहूँ तो इसे मॉडिफाई भी कर सकता हूँ. तो मॉडिफिकेशन वाले पार्ट हम बाद में देखेंगे, इस लेक्चर में अभी के लिए इतना ही. ओके, गॉट इट गाइस. यहाँ पर आपने कंस्ट्रक्टर देखा, उसकी वर्किंग देखी. ओके, कैसे आप उसे प्रोसेस कर सकते हो.
पूरा का पूरा मैंने अभी आपको सिनेरियो समझा दिया है।